हेलो नमस्कार, इंडियन कल्चरल सोसाइटी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं रानी आज आप सबके लिए राग यमन छोटा ख्याल तीन ताल में एक सरगम गीत लेके आई हूँ। आज हम राग यमन में सरगम गीत सीखेंगे। इस राग को करने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन क्लिक करना ना भूलें, ताकि इस पे जो भी नए अपडेट्स आएँ आपको नोटिफिकेशन मिले और आप हमसे जुड़ पाएँ। इसके साथ साथ आप लाइक और कमेंट करना भी ना भूलें। तो आइए सीखते हैं राग यमन में सरगम गीत। अभी मैं इसे जी शार्प से आरोह अवरोह बजाऊंगी। एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगी कि राग यमन में सारे नोट्स रेगुलर लगते हैं, सिर्फ माँ को छोड़ के। माँ तीव्र लगता है जो रेगुलर नोट से एक नोट ऊपर होता है। तो आप जिस भी स्केल से बजाएं इसका ध्यान रखें कि माँ तीव्र लगाएंगे, रेगुलर नहीं। तो आइए सीखते हैं। रे गामा, ये है मा तीव्र जो रेगुलर नोट के ठीक एक नोट ऊपर है। जी शार्प के हिसाब से ये रेगुलर नोट है, ये एक नोट ऊपर तीव्र मा है। रे सा, एक बार और देखिए। नी रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। इसे ऐसे बजाएंगे। नी रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। आप आरोह अवरोह समझ गए होंगे। आइए अस्थाई बजाते हैं सरगम गीत का। एक बार और देखिए। नी धा पा मा पा गा मा पा 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 मा गा रे। दूसरी लाइन सा रे गा रे गा मा पा धा पा मा गा रे गा रे सा रे गा रे गा मा पा धा
दूसरी लाइन नी रे गा मा पा धा नी सा रे सा नी धा पा मा गा मा। एक बार और देखिए नी रे गा मा पा धा नी सा रे सा नी धा पा मा गा मा। मेरे ख्याल से आप अस्थाई को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसे आराम से धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे और अब ये पूरी तरह से कैसे बजता है ये देखिए। सारे गरे गा मा पा धा पा मा गरे गरे सा सारे गरे गा मा पा धा पा मा गरे गरे सा नी रे गा मा पा धा नी सा रे सा नी धा पा मा गा मा नी धा पा मा पा गा मा पा 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 मा गरे नी धा पा मा पा गा मा पा इस तरह से बजाएंगे और इसको जितनी भी ज़्यादा प्रैक्टिस करें और जितनी भी स्पीड से ले जाएं क्योंकि ये सरगम गीत है तो वो ठीक है, लेकिन शुरू में आराम आराम से बिल्कुल स्लो स्पीड में हम प्रॉपर वे में उसको परफेक्ट करेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा स्पीड बढ़ा के उसको एक बेहतर स्पीड पे ले जाएंगे। आइए अब अंतरा सीखते हैं इसका। गा पा धा पा सा 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 रे गा रे सा नी धा पा धा पा सा गा पा धा पा सा 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 रे गा रे सा नी धा पा धा पा सा रे गा रे देखिए गा रे सा नी धा पा नी धा पा मा गा रे गा रे सा। फिर से अस्थाई में जैसे हमने लास्ट लाइन किया था वही लाइन नी रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा
मेरे ख्याल से आपने अंतरा को भी ध्यान से देखा होगा और समझ गए होंगे। अब देखिए कि ये कैसे बजता है पूरी तरह से। तो हम इसे आराम से धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे और एक बेहतर स्पीड पे ले जाएंगे। अब मैं पूरे सरगम गीत को एक बार बजाती हूँ और आप देखिए। सारे गरे गामा पधा पामा गरे गरे सा नीरे गामा पधा नीसा नीसा नीधा पामा गामा नीधा पामा पागामा पापा पामा गरे नीधा पामा पागामा पापा पामा गरे गा पधा पासा सा सारे गरे सा नीधा पागा पधा पासा सा सारे गरे सा नीधा तो इस तरह से ये बजेगा फ्लुएंसी में और आप इसे आराम से धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे एक एक लाइन करके और एक एक लाइन को बेहतर करेंगे और परफेक्ट करेंगे, फिर उसको स्पीड करेंगे। आपको बहुत अच्छा फील होगा। वैसे भी क्लासिकल करने से और राग करने से एक डिफरेंट फीलिंग होती है और जैसा कि सब कोई जानते हैं कि सारे सॉन्ग्स जो हैं वो सारे राग से ही आते हैं। तो अगर आपका राग स्ट्रांग होता है तो आप कैपेबल होते हैं किसी भी सॉन्ग को गाने के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप तैयार कीजिए सरगम गीत को और फिर हम इसी सरगम गीत पे बंदिश करेंगे राग यमन में ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय।